अब तक आपने देखा राजकुमारी कुंती नवजात कर्ण का त्याग करती है, पर सुषेण अधिरथ कर्ण की रक्षा कर उसे घर ले आता है। राधा ने इस बालक को जन्म नहीं दिया, किंतु यह मेरी संतान है। कर्ण के जन्म का अपूर्ण सत्य ज्ञात होने पर राधा कर्ण को अस्वीकार करती है। कर्ण के जन्म का रहस्य गांव वालों से गुप्त रखने के लिए परिवार समेत अधिरथ शंकुप्रद की ओर प्रस्थान करता है। इधर प्रतिक्षण अपनी माता का प्रेम पाने के लिए प्रयत्नशील कर्ण कस्तूरी मृग लेने पर्वत के शिखर पर जाता है। कस्तूरी मृग, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, वचन देता हूँ। जहाँ उसका सामना खूंखार रीछ से होता है। लगता है तुम्हें मलयुद्ध में ही पराजित करना पड़ेगा। और तभी हस्तिनापुर के पूर्व सम्राट पांडु उसकी रक्षा करते हैं और उसे अपने आवास ले जाते हैं। उधर प्रतीक्षित कुंती को अपने पति के साथ किसी अज्ञात बालक को आते देख संदेह होता है कि कहीं वो उसका त्यागा हुआ पुत्र तो नहीं। अब आगे